पहले साईं चरणों में अपना शीश नवाता हूँ, साईं की अनमोल कृपा की बात तुम्हें बतलाता हूँ। उनके दर पर गिरने वाला कभी न खाली आया है, दया दीन भंडार प्रभु ने जी भर के प्रेम लुटाया है। अगर आपको साईं बाबा का यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक गांव में गोपाल राव नाम के एक इंस्पेक्टर रहते थे। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे, तभी गांव का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी, वह औरत तुरंत अपने पति से कड़े स्वर में बोली, सुबह सुबह किस निपुत का मुंह देख लिया, अब पता नहीं हमारा दिन कैसा जाएगा। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वह काम होगा कि नहीं होगा, और सुनो जी, आज रहने दो, कल चलते हैं। गोपाल राव के दिल में उस औरत की बात तीर की तरह चुभ गई। गोपाल राव ने संतान पाने के लिए एक एक करके चार शादियां कर ली थी, परंतु किसी भी पत्नी से उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गोपाल राव डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद सबको दिखा के थक चुके थे, परंतु कुछ नहीं हुआ। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपाल राव को अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़ दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति न हो तो आप समझ सकते हैं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। इस घटना से तंग आकर गोपाल राव ने निश्चय कर लिया कि वह नौकरी छोड़ देंगे और सारा धन अपनी चारों पत्नियों में बांटकर संन्यास ले लेंगे। यह सोचकर वह त्याग पत्र लिखे और कुर्सी पर बैठे ही गहरे ख्यालों में डूब गए। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। काश काश कोई इस टूटे दिल को फिर से जोड़ने आ जाता, काश कोई इस टूटे दिल को फिर से जोड़ने आ जाता, बहते मेरे आंख के आंसू कोई पूछने आ जाता। हार गया हूँ, टूट गया हूँ, हार गया हूँ, टूट गया हूँ, अपने सजे इरादों से खाली हाथ ही घर आया हूँ, मिला न कुछ मुरादों से। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा तो गोपाल गोपाल करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर चला आ रहा है। गोपाल राव खड़े होकर मुस्कुराकर अपने मित्र रामू का स्वागत किए और रामू से पूछे, रामू तुम इतनी सुबह अचानक यहाँ कैसे? रामू बोला, ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने कानों में आके कहा कि यहीं उतर जा, गोपाल तेरा यार तुझे याद कर रहा है, और मैं चला आया। गर तेरी नीयत है सच्ची, गर तेरी नीयत है सच्ची, मालिक से तेरी प्रीत है पक्की, आती विपदा टल जाएगी, किस्मत का भी होगा लक्की। देर सही पर आता तो है, देर सही पर आता तो है, मेरा प्यारा साईं राम, सब दुनिया को भूल जाऊं मैं, पर कैसे भूलूं साईं नाम। फिर गोपाल राव रामू का हाल चाल पूछ ही रहे थे कि रामू भी गोपाल राव से पूछ पड़ा, और मित्र तुम बताओ, सब कुशल तो है? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक किया, वरना आज के बाद कभी नहीं मिल पाते। रामू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? गोपाल ने सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुना दी। रामू ने कहा, मेरी समझ में आ गया है, तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल राव ने कहा, नहीं यार, मैं हर जगह से लौट आया हूँ, अब शिरडी में क्या रखा? रामू ने गोपाल राव का हाथ पकड़ा और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुमको चलना है। गोपाल राव तैयार हो गए और दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। शिरडी की जब बात आए तो रोता दिल हंस देता है, शिरडी की जब बात आए तो रोता दिल हंस देता है, हिम्मत हारे को भी साईं बन के सुकून डस लेता है।
शाम होते होते रामू और गोपाल शिरडी पहुँचे। द्वारिका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद के चबूतरे पर बैठे थे और उनके अगल बगल उनके शिष्यों की टोली बैठी थी। तभी रामू और गोपाल मस्जिद में एक साथ प्रवेश किए। दोनों को देखते ही साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, तुम तो सुबह 10 बजे ही चले थे। गोपाल और रामू साईं बाबा की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर दोनों ने आगे बढ़कर साईं बाबा का चरण स्पर्श किया। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से ऊपर उठाते हुए कहे, आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ आए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की मनोकामनाएं भी एक साथ ही पूरी हों। साईं बाबा का आशीर्वाद गोपाल राव के लिए वरदान बन गया। उस महीने के अगले 9 महीने बाद ही गोपाल राव के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। गोपाल राव की खुशियों का ठिकाना न रहा। वे फौरन सीढ़ी आए और साईं बाबा का चरण स्पर्श किए और साईं बाबा से विनती किए, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरा सब रहमेशा मेरे साथ।